हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने सिक्स क्लास के मैथ्स में एक्सरसाइज 2A चालू किया था, जिसमें मैं सेवन्थ क्वेश्चन तक आपको बता चुका हूँ। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। एट में बोल रहा है विच फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम्स। तो देखिए, प्राइम नंबर आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है। तो आपको पता है 87 इज द प्राइम नंबर, ठीक है ना। 87 के अलावा आपके जितने भी हैं, सॉरी 89 आपका प्राइम नंबर है, क्योंकि 87 तो आपका 3 से कैंसिल हो जाता है। 89 इज द प्राइम नंबर, बाकी 87, 63 और 91, तो ये कैसे हैं आपके सब के सब आपके कंपोजिट नंबर है। तो 89 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है मेक अ लिस्ट ऑफ सेवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स नन ऑफ विच इज प्राइम, ठीक है। तो ऐसे नंबर बताने हैं आपको, सेवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर होने चाहिए जिसमें से कोई भी आपका प्राइम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि नाइन्थ क्वेश्चन में तो 91, 92, 93, 94, 95, 96 और 697, ठीक है। तो इसमें से आप देखिए, कोई आपको प्राइम नंबर अगर दिखाई दे रहा हो तो, ठीक है ना। तो 91 आप देखेंगे तो 13 से कैंसिल होता है, ठीक है। इसके बाद आपका 92 तो 2 से कैंसिल होता ही है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि 93 आपका भी डिवाइड हो जाता है 3 से, 94 भी डिवाइड हो जाता है, 95 भी, 96 भी, लेकिन 97 आपका डिवाइड नहीं होता। तो ये तो एक प्राइम नंबर है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे अच्छा है कि 91 से पहले 90 और ले लीजिए, तो बन जाएगी लिस्ट आपकी 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96, तो ये 7 हो गए आपके, ठीक है। 97 नहीं काउंट करेंगे क्योंकि 97 प्राइम नंबर है। 97 जो है, 97 का कोई और फैक्टर नहीं है, 97 किसी से नहीं कटता, सिर्फ 1 और इटसेल्फ के अलावा, ठीक है। तो ये आपके 7 हो गए कॉन्जिक्यूटिव भी हैं। देखिए 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ठीक है ना, और आपके कैसे हैं कंपोजिट नंबर भी हैं। टेंथ क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा है इज देयर एनी काउंटिंग नंबर्स नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। ऐसा कोई नंबर है जिसका कोई फैक्टर ना हो? जी नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका टेंथ का फर्स्ट जो है कैसा हो गया, फॉल्स, ठीक है, या नो लिख सकते हैं इसमें, फॉल्स तो नहीं, नो लिखेंगे, ठीक है ना। फाइंड ऑल द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली वन फैक्टर, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 1। 1 एक ऐसा नंबर है सिर्फ जिसका कि सिर्फ एग्जैक्टली वन फैक्टर है, जो कि 1 ही है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है आपका, फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 and 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, ठीक है ना। तो 1 से 100 के लिए आपको कंपोजिट नंबर यानी पूछ रहा है आपसे, 3 फैक्टर हैं, तो इसके लिए आप वही पेज नंबर 25, 24 को देखेंगे, सी, तो वहाँ पर आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता दिया है, 12th क्वेश्चन में ट्विन प्राइम नंबर है बता चुका हूँ, 13th क्वेश्चन में आपका को प्राइम नंबर है ये भी बता चुका हूँ, 14th क्वेश्चन में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए 14 नंबर का, इसमें बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर्स एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया 36 या 98 ले लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, तो 98 आपने ले लिया। अब इसको आपको ऐसे सम्स में तोड़ ऐड करना है, यानी कि जो कि दो नंबर्स हों और दोनों नंबर कैसे हों, ऑड प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है, ऑड प्राइम नंबर आपके होने चाहिए दोनों। तो इसके लिए देखिए, आपका कोई मेथड नहीं है आपको इसको
अपने दिमाग से ही करना होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे कोई दो नंबर सोचेंगे जो कि ऑड प्राइम हो और जिनका कि सम कैसा हो, 98 हो, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए, आपके पास दो ऑड नंबर मिलते हैं, एक तो मिलेगा 79 और मिलेगा 90। तो इन दोनों का सम करेंगे तो आप 998 की वन कैरी 178 और 9। तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों जो नंबर कैसे हैं, वो ऑड प्राइम है। देखिए ऑड तो है, दो का मल्टीपल कोई भी नहीं है, और कैसे हैं, प्राइम भी हैं, क्योंकि 19 भी किसी से डिवाइड नहीं होता और 79 भी किसी से डिवाइड नहीं होता। 15th क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ थ्री ऑड प्राइम नंबर्स। शॉर्ट में लिखा है मैंने क्वेश्चन ये, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए 31, इसका ए पार्ट मैंने ले लिया, 31 को आपको करना है। तो थ्री ऑड प्राइम नंबर्स में, पहले टू बोल रहा था, अब आपको कैसा करना है, थ्री ऑड प्राइम नंबर में, जो कि कैसे होने चाहिए, प्राइम भी होने चाहिए और ऑड भी होने चाहिए। तो आप देखिए, एक तो आप ले लीजिए 23, ठीक है, नहीं 23 से नहीं काम चलेगा, 23 नहीं ले सकते आप। एक आप ले लीजिए 19 के बाद आप ले लीजिए एक 7 आ सकता है, तो 19 और 7 कितना हो गया आपका 26, और एक आप ले लीजिए 5। तो आप देखेंगे तीनों ही कैसे हैं, ऑड नंबर हैं, तीनों ही कैसे नंबर हैं, ये प्राइम नंबर हैं, ऑड प्राइम नंबर। तो 19, 7 और 5, तो इनका सम क्या है, 31 ही आ रहा है, आप इनको ऐड करके देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ब्रेक करना है इनको। 16th क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, 16th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम नंबर के सम में आपको एक्सप्रेस लिख देता हूं मैं यहां पे, एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। तो इसमें आप कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया 84, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि ट्विन प्राइम्स होते क्या हैं। तो इसकी डेफिनेशन में आने आपको लिखाई हुई है। तो ट्विन प्राइम कैसे नंबर होते हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव भी होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, ऑड भी होने चाहिए। तो इसके लिए आपको पता है कि 84 के लिए आप एक 41 ले सकते हैं और एक 43 ले सकते हैं। आप देखेंगे 41 कैसा है आपका, प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होता। 43 भी कैसा है आपका, प्राइम नंबर है, और आप देखेंगे ये कॉन्जिक्यूटिव भी है, क्योंकि 41 के बाद 42 आएगा, लेकिन 42 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है, और 42 के बाद अगला कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर कौन सा आएगा, जो कि ऑड होगा, 43। तो इसलिए आप देखेंगे इन दोनों का सम भी क्या आएगा, 84 आएगा। तो दीज आर ट्विन प्राइम, ये दोनों कैसे हैं, ये ट्विन प्राइम नंबर है आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो इसमें ट्रू फॉल्स बताने में क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आपको सीधे बता दूंगा। तो इसमें आप देखेंगे 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, नो। तो 17 क्वेश्चन का फर्स्ट जो है आपका वो क्या है, फॉल्स। 1 तो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं आप, सब 17 का फर्स्ट कैसा है, फॉल्स। सेकंड नंबर, इफ ए नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ऑड, ये कोई जरूरी नहीं है, अगर वो प्राइम है तो ऑड ही हो, क्योंकि 2 आप देख सकते हैं कैसा है, प्राइम है लेकिन कैसा है, इवन है, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। थर्ड, द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर, ठीक है, तो ये भी कोई पॉसिबल नहीं है। देखिए जैसे कि मैं अगर सम करूं टू, ये आपसे बोल रहा है टू प्राइम नंबर्स,
ठीक है ना, वो आपसे बोल रहा है जैसे कि थ्री आपका देखिए प्राइम नंबर है और एक थ्री, दोनों ठीक है ना, तो दोनों ही प्राइम नंबर है और इनका सम करेंगे तो क्या बोल रहा है आपको सिक्स, और सिक्स एक प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया फॉल्स। थर्ड है आपका, फोर्थ है आपका, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी ए प्राइम नंबर। ठीक है, देखिए पहली बात तो को प्राइम आपको समझ लें, को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके की कोई भी, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन वन के, यानी वन सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो सकता है, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। और आपसे पूछ रहा है इफ टू को प्राइम नंबर्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी ए प्राइम नंबर, तो देखिए जरा अगर मैं बोलता हूँ फोर और नाइन तो क्या ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नंबर है, देखिए इनमें कोई कॉमन फैक्टर है क्या, वन तो है लेकिन और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और ये को प्राइम है। और वो आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि वन एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी ए प्राइम नंबर, तो आप मुझे बताइए इन दोनों में से कोई प्राइम है क्या, नो वन प्राइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया फॉल्स हो गया आपका। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है फिनिश होती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। थैंक यू।